स्वर्ण मुद्रा? ये स्वर्ण मुद्रा तुम लोगों को कहां से मिली? पिताश्री, वो पेशवा महाराज है ना, वो कानपुर से वापस आ गए, वहीं पर मिले ये मुद्राएं। अंदर जाओ तुम लोग। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भाव। अरे, स्वर्ण मुद्राएं आपके हाथ में? इसका अर्थ है कि आपकी पुत्रियां सकुशल वापस आ गई। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। प्रसाद ग्रहण कीजिए। अद्वितीय, अद्भुत, अपने कुल मान मर्यादा को अपमानित करते हुए गज्जा नहीं आई तुम्हें? ये भी नहीं सोचा कि तुम कौन हो? भिक्षुओं की भांति पंक्ति में बैठ गए। अरे, तुम दान्यकुब्ज ब्राह्मण हो, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। यदि तनिक सा भी आत्मसम्मान बचा है तो इस तिरस्कृत भोजन को छोड़ दो और उठाओ। आचार्य बादरायण, आप ही से भेंट करने आया हूं मैं। आइए, पधारिए। इस भीख को ने अनुयायियों में बांट दीजिए। आचार्य जी, कृपा करके शांत हो जाइए और सुनिए। नहीं, हम सुनने नहीं, बताने आए हैं। यदि आपके उस तथाकथित पुत्र ने उद्दंडता नहीं छोड़ी, पूरे पिठूर में तांडव होगा तांडव। बस बस मान जी, बहुत बोल दिया आपने। बाजीराव, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण तुम्हें शाप देता हूं
जिस प्रकार तुम्हारे दत्तक पुत्र ने मेरी पुत्री को अपमानित और लांछित करने की चेष्टा की है, उसी प्रकार तुम भी आजीवन एक लांछित व्यक्ति का जीवन जियोगे। अपराध गिनाते समय पल भर के लिए भी नहीं सोचा कि जिस बच्चे पर आप आरोप लगा रहे हो उसकी आयु कितनी है। Your Majesty, क्या इतनी सी बच्ची किसी ब्रिटिशर को चाबुक मारने की हिम्मत रखती है? और उसने एयर बॉम्ब्स बनाया और उसने कैंपर घाट पर हमारे प्रिंसेस को छुड़ाने की कोशिश की है। इट इज अ वेरी सीरियस क्राइम। नहीं नहीं, किसी ने आपको गलत सूचना दी है। हमारी छबीली ऐसा कभी नहीं कर सकती। Your Majesty, हमारे ऑफिसर किसी पर झूठा एलिगेशन नहीं लगाते। परंतु हम आपका आरोप स्वीकार नहीं करते। हे देवा, अब क्या होगा? जब से मनु आई है ना, हम सबको दुख ही दुख दे रही है। क्या दुख दे रही है? हमारे मनु ने कुछ नहीं किया। तू नहीं जानती उसने क्या किया है। अति करती है अति। उन धुर तिरंगियों के अहम को ही ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उनके मान और सम्मान को भी ललकारा है। जब खेल में हार गए तब चुटकिया पकड़ना आ गए, ठेंगा जाएगी मेरी मनु। चुप। क्या खेल में जीतना भी अपराध है आजी साहब? हाँ बेटा, इन धुर्त फिरंगियों की दृष्टि में घोर अपराध है। चलो साहू भाई, हम दरबार में चलते देखते हैं कि मन्नू के ऊपर और क्या क्या आरोप लगे हैं। चलो। अरे चलो। Now, Your Majesty, I am extremely sorry. अगर जर्मनी के अंडर मनु भाई को हमारे हवाले नहीं किया तो हमारे सोल्जर्स महल के अंडर दाखिल होकर उसे अरेस्ट कर देंगे। विंसन साहब, उस समय हमें अपना मित्र समझते थे आप। वाह, अच्छी मित्रता निभा रहे हैं। Your Majesty, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी? अभी क्या कम समस्याएं उत्पन्न कर रखी है आपने? जब देखो धमकाते रहते हैं, पेंशन बंद कर देंगे, विठूर से निर्वासित कर देंगे, नहीं तो आम जनता की तरह अपनी अदालत में बुलाने का अपमान करेंगे। अरे हमारी धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब तो छीन लिया तुमने, अब और क्या छीनोगे? सोल्जर्स, पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।